क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। घर पे मन लगा के पढ़ाई हो रही है? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? रियल नंबर में कुछ बातें पढ़े थे। सबसे पहले बेसिक चीज़ों को पढ़े थे, बेसिक चीज़ों को पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे एक बार देख लेते हैं पिछले क्लास में हम लोग, ठीक है? रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का होगा अपना चैप्टर रियल नंबर। वास्तव में रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना है उन चीज़ों को देखेंगे। पहले बेसिक चीज़ों को देख चुके हैं, ठीक है? चलो देखो तो क्या क्या देखे हैं भाई। पहला हम लोग रियल नंबर देखे जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और दूसरा क्या होता है भाई? अपरिमेय संख्या। क्लियर है ना? अब प्राकृतिक संख्या यानी सबसे पहले अब शुरू की गई थी किसके बारे में जानकारी? संख्या के बारे में यानी नंबर के बारे में। किसके बारे में? नंबर होते क्या हैं इनके बारे में हम लोगों ने स्टडी करा था। तो प्राकृतिक संख्या, उसके बाद से पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल, प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं लिखे हैं वो एक बार फिर दोबारा देख कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े हम लोग। दूसरा चीज़ हम लोग क्या पढ़े हैं भाई? पूर्णांक। क्या पढ़े हैं? पूर्णांक। पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। क्लियर है ना? पूर्णांक को नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। बीच में क्या होता है भाई? शून्य होता है, ठीक है? शून्य से दाएं तरफ बढ़ते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक मिलते हैं। शून्य से दाएं तरफ बढ़ते हैं तो क्या मिलता है भाई? धनात्मक पूर्णांक। बाएं तरफ बढ़ते हैं तो क्या मिलता है? ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है? कोई दिक्कत? अपूर्णांक के बाद पूर्णांक को आई से डिनोट करते हैं, हमने पढ़ा। और यानी आई प्लस किया तो इसका मतलब क्या है? धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है ना? और देखो जब आई माइनस किया तो इसका मतलब क्या हो गया? निगेटिव इंटीजर। क्या हो गया भाई? इंटीजर। क्लियर है ना? अब देखो भाई अगर आई जीरो किया तो इसका मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। माने मान कितना होगा? वन। यानी दुनिया में किसी भी संख्या का अगर पावर जीरो करें तो मान कितना हो जाएगा? वन। अगर हम क्या कर लें भैया, 101 का पावर जीरो करें तो मान कितने में बदल जाएगा? या अगर हम सात यानी जितना भी लिखा गया उसका पावर जीरो करें तो क्या मिलेगा? वन। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो इसको भी पढ़ चुके हैं तो आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाएंगे। फाइव फटाफट 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 आगे बढ़ा जाए। क्या बोलिए? अरे कुछ तो बोलिए, आप ही मुंह खोलिए। मिस्टर व्हाट्स योर नेम प्लीज? वाह क्या बात है। चलो अब अगला देखो तो क्या पढ़ चुके हैं भाई? भाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। क्या है भाई? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी वैसी संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। क्या कहलाती हैं? यानी स्वयं को छोड़कर या एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। तो यानी बात यहाँ स्वयं एवं एक कर लें। अगर हम लोग इसमें एवं एक भी कर सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं भाई? एवं एक को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो ये सब कंपोजिट नंबर है। 3, 15 तीन से भी विभाजित होता है और 5 से भी, 9, 3 से विभाजित होता है, 25, 5 से विभाजित होता है। उसी तरह से 2, 4, 8, 9 सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। सब क्या है? भाज्य संख्या है। जो किसी न किसी संख्या से कटे उसको क्या कहेंगे हम? भाज्य संख्या। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलो उसके बाद बताया गया था अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स यानी वैसी संख्या जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। यानी स्वयं को छोड़कर इट सेल्फ अगर उसको क्या किया जाए? इग्नोर किया जाए तो इन किसी भी नंबर से वह डिविजिबल नहीं होगा। जैसे भाई 2 किसी संख्या से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3, 5, 7, 13, 11, 13 किसी संख्या से डिवाइड होगा? नहीं होगा। उसी तरह से 17 किसी संख्या से डिवाइड होगा? 19 किसी संख्या से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 23 किसी संख्या से डिवाइड होगा? 29 किसी संख्या से डिवाइड होगा? 31 किसी संख्या से डिवाइड होगा? 37 किसी संख्या से डिवाइड होगा? 41 किसी संख्या से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो जो किसी संख्या से डिवाइड ना हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? यानी प्राइम नंबर्स। क्या कहेंगे भाई? प्राइम नंबर्स। क्लियर है? चलो आगे बढ़े थे तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे, मैं हट जा रहा हूँ। चलो
कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब देखो अगला क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्याओं की एक सूची बना दी गई, इधर लिस्ट तैयार किया गया है जो अभी मैंने उधर तैयार किया था, क्लियर है ना। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। उसके बाद कह रहा है कंपाउंड नंबर, कौन सा नंबर भाई, कंपाउंड नंबर। कह रहा है कि वे संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, क्लियर है ना, एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड नंबर। अब देखेंगे थोड़ा सा कि चार छः आठ दस, चार छः आठ दस, ये सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है, चार है। आगे बढ़ते हैं भाई, तो संख्या एक न तो अभाज्य है और न ही यौगिक, यानी बात अगर हम एक की करें तो यह नॉन, यानी ये तो प्राइम, यानी अभाज्य, यानी प्राइम नंबर भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है, और मेरे भाई यह क्या है, कंपाउंड नंबर भी नहीं है, क्लियर है ना, यानी इसको किसी की श्रेणी में नहीं रखेंगे, केवल नेचुरल नंबर है। अब आता है भाई सम संख्या, यानी वे प्राकृत संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, क्या कहलाएगी, सम संख्या, कंपोजिट नंबर कहलाएगी, क्लियर है ना। अच्छा इवन नंबर कहलाएगी, तो जो दो से पूर्णतः विभाजित हो क्या कहलाएगी, है। चलो सम संख्या की बात कर रहे थे तो कॉल आ गया बीच में, यानी हमने क्या बताया कि वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, दो से पूर्णतः विभाजित हो क्या कहलाएंगे, सम संख्या कहलाएगी, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, सम संख्या। दो से पूर्णतः विभाजित संख्याओं को क्या कहते हैं, हम इवन नंबर कहते हैं, क्लियर है ना। जैसे सम संख्या की बात क्या है, दो चार छः आठ दस बारह, दो चार छः आठ दस बारह चौदह पंद्रह सत्रह अठारह जो भी हो, अच्छा सत्रह नहीं होगा, अच्छा पंद्रह भी नहीं होगा, यानी ध्यान दे रहे हो मेरे शब्दों पे, वाह क्या बात है। यानी देखो भाई दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस, यानी एक बात पता चल रही है ना, अरे समझो यार, एक बात पता चल रहा है, टू से उठाओ दो दो को गैप दे के लिखते जाओ, दो दो का गैप दे के, यानी वन बाई वन, वन बाई, यानी दो के बाद थ्री आएगा इसको छोड़ दो, फोर लिखो, फोर के बाद फाइव आएगा छोड़ दो, क्या कर दो सिक्स लिखो, समझ में आ रहा है ना, यहाँ हाँ प्रत्येक पहले वाले अंक में प्लस टू करते जाओ, क्लियर। तो क्या मिलेगा भाई, सम संख्या मिलेगी, क्लियर है। चलो इसको लिख चुके हो, एक बार और लिख लेना भैया, अगर जो लोग नहीं लिखे हैं, आगे बढ़े हम लोग, बोलो ऐ बकवास क्या कर रहा है पीछे से रे, आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो विषम संख्या, कौन सी संख्या है भाई, विषम संख्या। विषम संख्या को क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, दो से पूर्णतः उसको विषम संख्या कहेंगे ना। तो क्या क्या बन जाएगा भाई, दो को छोड़ दो भैया, तीन, अच्छा एक को तो कहीं भी नहीं रखना है, तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह, चलो हाँ बस 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 बस। अब देखो भाई, अब दो बातें बताई गई थी, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप और धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, ये आपको पिछले वाले वीडियो में बताया गया था बखूबी। तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है, या तो 2m के रूप में होता है, या 2p के रूप में होता है, या 2q के रूप में, या 2r के रूप में, कुछ भी मान लो भैया, कुछ भी मान लो, यानी 2 और m क्या है, तो कोई भी संख्या, एक दो तीन चार पाँच छः, जो भी संख्याएँ आपको नज़र आ जाए, यानी m इक्वल टू आप क्या रख सकते हो, सभी संख्याएँ, सभी संख्या है, प्राकृत संख्या है, कौन सी संख्या बाबू, प्राकृत संख्या रख सकते हो, यानी एक रखोगे तो दो मिलेगा, दो रखोगे तो चार मिलेगा, तीन रखोगे तो छः मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे रख के बताया गया है, रख कर बताया गया है, एम का मान रखा गया, बाकी दो से गुणा किया गया है, क्लियर। उसके बाद धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, तो तुम्हें बताया गया कि 2m प्लस 1 या 2p प्लस 1 या 2r प्लस 1 या 6q प्लस 1, कुछ भी, क्लियर है ना। और इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं,
उस पर भी हम लोग चर्चा किए थे ना। यस सर। क्या क्या किए थे देख ले भैया। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि यदि, पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको भाई कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अभी बताया धनात्मक विषम पूर्णांक, अगर विषम पूर्णांक चाहिए तो क्या चाहिए भाई, 4m+1। अभी हमने 6q+1 करा था तो 4q+1 भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो यानी ये विषम पूर्णांक का रूप हो गया। दूसरा मेरे बाबू देखोगे कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा क्या, तो 2p 2m या 2r, कुछ भी 2r, तो 2p क्या हो जाएगा भाई, 2p। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। हाँ मालिक बोलिए। हाँ 6q+3। अच्छा हाँ भाई देखो, बात यहाँ है ना कि एक लड़के का प्रश्न है भाई देखो कि क्या धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+3 हो जाएगा। यहाँ क्या जोड़ रहे हो, अगर यहाँ q का मान आप नेचुरल नंबर रखते हो, अब आगे देखो क्वेश्चन पूछ के पीछे नहीं देखते हैं, नेचुरल नंबर रख रहे हो, कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर में क्या होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी, यानी 1 2 3 4 कुछ भी होगा। चलो तो 6 में मल्टीप्लाई 1 से करोगे, प्लस 3 जोड़ोगे 9 आएगा ना, 6 में मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 3 जोड़ोगे 15 होगा, 6 में मल्टीप्लाई 3 से करोगे 4 जोड़ोगे तो कितना होगा भैया, बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 6 में मल्टीप्लाई 4 का, अच्छा 21 होगा। अब 6 में मल्टीप्लाई 4 से प्लस 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 27। क्या यह विषम पूर्णांक नहीं आ रहे हैं। तो बात यहाँ हमको सोचनी है ना कि देखोगे सबसे बड़ा प्रश्न तुम्हारा, तुम्हारे प्रश्न का आंसर ऐसे ले हो सकता है कि अगर सम संख्या से नेचुरल नंबर में गुणा किया जाए, कौन सी संख्या से, सम संख्या से प्राकृत संख्या में गुणा किया जाए और वहाँ विषम संख्या जोड़ा जाए, विषम संख्या जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा भाई, विषम, क्या मिलेगा, विषम। और दूसरा अगर सम संख्या से गुणा किया जाए, सम संख्या आ गुणा हो प्राकृतिक संख्या में आ प्लस हो सम संख्या, तो मान क्या मिलेगा, सम पूर्णांक, क्या मिलेगा, सम पूर्णांक। आ ऊपर में क्या मिलेगा, विषम संख्या, यानी सम संख्या से गुणा किया जाए और विषम संख्या जोड़ा जाए प्रकृत संख्या में तो क्या मिलेगा, विषम पूर्णांक, यानी इवन नंबर। यूँ कह लो भैया, देख लो यूँ कह लो कि पहली बात कि हमने क्या किया, सम संख्या, सम संख्या गुणे क्या किया भाई, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। आ यहाँ इसके साथ क्या जोड़ देना है, विषम पूर्णांक, क्या जोड़ देना है, विषम संख्या, आई एम सॉरी क्या जोड़ना है भाई, विषम संख्या, क्या जोड़ना है, विषम संख्या को जोड़ देना है तो मान क्या मिलेगा, विषम पूर्णांक मिलेगा, क्या मिलेगा, विषम पूर्णांक, मान क्या मिलेगा भाई, विषम पूर्णांक मिलेगा। क्लियर है ना, यानी देखो सम संख्या को क्या कहते हो, इवन नंबर, कौन नंबर बाबू, इवन नंबर। प्राकृतिक संख्या को क्या लिखते हो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहते हो आप। प्लस क्या करना है भाई, ऑड नंबर, ऑड नंबर। क्लियर है ना, यानी अब देखो सम संख्या में कुछ भी 2, 4, 6, 8 कुछ भी मिल सकता है। आ गुणे इसके साथ प्राकृतिक संख्या को, मान लो क्यू और में एम और में आर। क्लियर है ना, कुछ भी मान सकते हो या मान सकते हो आप। प्लस क्या करना है, विषम संख्या, तो विषम संख्या को 1 और में 3 और में 5 और में 7 कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। यानी क्या मिल सकता है, 2q+1 मिल सकता है या 2q+3 मिल सकता है या 2q+5 मिल सकता है या 2q+7 मिल सकता है। अब तो रहने दें, या मेरे बाबू 2q के जगह पे 4m, आप 4, अब q को हटा के हम m ले लेते हैं तो 2m+3 ले सकते हैं, 2m+5 ले सकते हैं, 2m+7 ले सकते हैं, या और में हम क्या लिख सकते हैं, 2r+1 2r+3 2r+5 2r+7 या मेरे बाबू और में कुछ और,
अब जो समझ में आ रहा है ना, ये सब क्या है, विषम पूर्णांक है, ये सब क्या है, विषम पूर्णांक का रूप है। तो ऐसा लिखो भैया कि ये सब विषम पूर्णांक के रूप हैं, विषम पूर्णांक के रूप हैं। क्लियर? नहीं समझ में आया? आया तो पहला समझ में आ गया पॉइंट, यानी ये प्रश्न आपका क्या था, प्रश्न था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा कुछ भी, यानी 6q+1। अभी मैंने उधर बता दिया, देखो भाई लिखे हुए हैं ना 6q+, यानी इधर से तो ले सकते हैं ना, 2 के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, 2 के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? चलो अब इधर क्वेश्चन को एक बार नोट कर लोगे आप, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, 2021 एनुअल एग्ज़ाम के फर्स्ट सेटिंग में, 2022 एनुअल एग्ज़ाम के फर्स्ट सेटिंग में और 2022 एनुअल एग्ज़ाम के सेकंड सेटिंग में पूछे गए प्रश्न हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ें, हो गया फिनिश इट। अगला प्रश्न, अगला ये नोट उतार लोगे आपको, अगर ज़रूरत है तो उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जा। चलो अब एक और बात है भाई, एक और बात है इस प्रश्न से कि अगर बाबू मेरे देखो सम संख्या, नोट और एक और करते हैं भाई, ओए बच्चा व्हाई आर यू टॉकिंग टू ईच अदर। देखो सम संख्या, सम संख्या आप गुणा करना है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या और प्लस में क्या करना है विषम संख्या, क्या सम संख्या, आई एम सॉरी सम संख्या। अच्छा सम संख्या में क्या लिख सकते हो, यहाँ कुछ भी 2, 4, 6, 8 कुछ भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? प्राकृत संख्या को क्या मानोगे, पी एम क्यू और आर कुछ भी मान सकते हो ना। अच्छा सम संख्या में फिर वही रख सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? यानी पहले तो इवन नंबर, इवन नंबर क्लियर है, प्लस गुणे क्या करना है भैया नेचुरल नंबर, कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर, और उसके बाद क्या करना है इवन नंबर, क्या करना है इवन नंबर करना है। तो क्या मिल जाएगा, सब इवन नंबर का रूप मिलेगा, सब इवन नंबर का रूप मिलेगा, क्या मिल जाएगा, तो 2p+2, 2p+4, 2p+6 etc, या 2m+2, 2m+4 या 2m+6 या 4p+2, 4p+4, 4p+6 या मेरे भाई क्या मिल सकता है 6q+2, 6q+4, 6q+8 हाँ 6, कोई दिक्कत मिल सकती है, यानी कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। यानी ये क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है, क्या है भाई धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है, यानी लिखेंगे इट इज द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, क्लियर है ना, कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़ा जाए चलो इतनी हो गई बात, लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए भाई प्रीवियस ईयर का, क्या है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है 2m, अभी बताया ना। चलो सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, तो सबसे छोटी, प्रश्न क्या रहा है भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है भाई दो होती है, पहले ही लिखा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है चार, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणा करना है, चार दुने का पढ़ के आए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है अभाज्य, देखो भैया 5 से कट जाएगा, 2, 4, 8 से कटेगा, 3 और 5 से कटेगा, तो यानी 90, 29 किसी से कटने वाला नहीं है, तो यह अभाज्य संख्या है, यानी 2019 के एनुअल एग्ज़ाम के सेकंड सेटिंग का प्रश्न है और ऊपर वाला 2019 के एनुअल एग्ज़ाम के भी सेकंड सेटिंग का प्रश्न है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, जो टॉपिक्स पढ़े उससे कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे क्या है,
तो हम लोग सह अभाज्य संख्या पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? सह अभाज्य संख्या। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो कहा जा रहा है सह अभाज्य संख्या की वैसी दो संख्या जिनका मौसा एक हो। मौसा क्या होना चाहिए भैया? एक होना चाहिए। मौसा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। एक का मतलब भैया वन, एक का मतलब वन हो, उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी सच टू नंबर हुज एच सी एफ, सच टू नंबर हुज एच सी एफ इज वन कॉल्ड कोप्राइम नंबर। क्लियर है ना? यानी देखोगे जो संख्याएं दी गई हैं इनका मौसा कितना होता है? एक होता है। जैसे मैं बात कर लूँ मौसा की, पाँच और सात की बात कर लूँ, पाँच कमा सात की, तो मौसा देखना मेरे भाई, इसका मौसा निकालेंगे, पाँच से भाग देंगे सात में, वन टाइम्स में पाँच टू और फाइव मल्टीप्लाई करेंगे टू से, फोर वन टू मल्टीप्लाई टू टू कटर पटर, और यह आपका क्या हो गया भैया? एच सी एफ बराबर कितना हो गया? वन। यानी महत्तम समापवर्तक कितना हुआ? वन। तो यानी वैसी दो संख्या जिनका मौसा एक हो उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। चल मेरे भैया इसको लिख लेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। हो गया? चलिए आगे बढ़े हम लोग। बोलिए कौन है, जल्दी करिए भाई, नोट कीजिए। चलो आगे बढ़े हम लोग। हाँ, बारिश वाले मौसम है बाबू, कहीं बारिश हो रही है कहीं नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है? तो बच बचा के आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखो परिमेश वास्तविक संख्या क्या है, तो रियल नंबर वास्तव में है क्या? तो कहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? यानी वही बात लिखी गई है कि अगर बात करें हम वास्तविक संख्या का समूह बनाएं, कौन सी संख्या का? वास्तविक संख्या का समूह बनाएं, और वास्तविक संख्या का समूह बनाए तो उसमें परिमेय संख्या भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? अपरिमेय संख्या भी होनी चाहिए। यानी ये सब परिमेय संख्याएं हैं और ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर? ये पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या मिलता है मेरे बाबू? अब आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, अब बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ देखिए, उसके बाद से परिमेय संख्या पढ़े हैं, परिमेय संख्या का रूप पढ़े हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं, अब अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं। और देखो भाई, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, तो कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएँ होती हैं। कितनी परिमेय संख्या होती हैं? यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी बताया भी गया है, देख लो, पहले हमने बात करी वन टू थ्री फोर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इधर कहाँ तक बाबू? इनफाइनाइट तक। अब अजय बातें कम करो रे, अब हमने बात करा जीरो और वन की, जीरो और यहाँ प्लस वन है, यहाँ क्या है? प्लस वन। यहाँ क्या है? जीरो। बीच में कहाँ तक? 0.1, 0.2, 0.3, अगला बढ़ेंगे तो 0.4 डॉट 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 कहाँ तक? वन तक। अब फिर हमने बात किया किसका? जीरो का और 0.1 का, तो इनके बीच में भी 0.01, फिर 0.02, 0.03, 0.04। अब फिर हमने बात करा किसका? जीरो और 0.01 का, तो इनके बीच में देख लो भाई, फिर 10 संख्याएं। क्लियर है? अगर फिर मैं बात करूं तो यहाँ जीरो और यहाँ क्या ले सकता हूँ? 0.001 ले सकता हूँ, तो इनके बीच में क्या आएगा? 0.001, 0.0002। क्लियर है ना? यानी इस तरह से, तो अर्थात क्या मिला? एक नोट मिल गया। क्या मिल गया भाई? कि दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। क्या होती है भाई? अनंत
परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती हैं, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, क्लियर है ना। तो यानी क्या लिख सकते हैं भाई इंग्लिश में कि देयर आर इनफाइनाइट, चल मेरे बाबू, देयर आर इनफाइनाइट इनफाइनाइट रेशनल नंबर नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, क्लियर है ना। टू रेशनल नंबर यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, क्लियर, एनी प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, इस टॉपिक से क्या आया हुआ है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे मुझे। दीजिए भैया पन्ना, किसी को मिला हो तो ये पन्ना मिला है, देखिएगा क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है। आप 7 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ है भाई, देखिए 2021 में पूछा है, 2015 में पूछा और 2000, ये पन्ना सबको मिला है ना, मिला है पक्का। चलो अब देखो तो इसमें 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन देखोगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। मैं लिख दे रहा हूँ दो परिमेय, बालक बातें नहीं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, बिटवीन टू रेशनल नंबर कब कब क्वेश्चन पूछा है, तो 2013 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछा है, फिर 2015 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछा है, और फिर 2021 के एनुअल एग्ज़ाम में भी पूछा है। चलो मेरे भाई, यानी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में अनंत, कौन सा ऑप्शन होगा। अब तो समझ गए, अभी पढ़ के आए थे ना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, तो ये टॉपिक तो काम कर गया ना, किया कि नहीं किया पक्का, एनी प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ा जाए, तो ये पन्ना पकड़ोगे, बहुत सारी चीज़ें इस पन्ने में हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप सब लोग ले लेंगे। चलो क्वेश्चन इसको लिख लोगे भाई, अब आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन लिख लो फटाफट, जल्दी से क्वेश्चन लिख लो मेरे भाई, जल्दी से क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया, बोलो क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़े हम लोग। तो अब क्या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, चलो दिख लो भाई, जल्दी से देख लो। हो गया बाबू, देखो इस अध्याय में अब तो जितना भी अभी तक पढ़े थे सब बेसिक चीज़ें थी, क्या थी, बेसिक बातें थी, यानी जितना भी था बेसिक नॉलेज पढ़ लिए, लेकिन आज हमें इस चैप्टर में रियल नंबर चैप्टर में धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुणों की चर्चा करनी है, धनात्मक पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुणों की चर्चा करनी है, यानी जो हमारा रियल नंबर होगा। देखोगे भाई सबसे पहले हमारा चैप्टर क्या है, रियल नंबर, देखो भैया हमारा चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर, और रियल नंबर में हमें रियल नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है, यानी यहाँ हमें वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना तो है लेकिन बाद में पढ़ना है,
कब पढ़ना है? बाद में। और वास्तविक संख्या के दो रूप होते हैं, एक परिमेय संख्या होता है यानी रेशनल होता है, और दूसरा क्या होता है? अपरिमेय यानी इरेशनल। अपरिमेय यानी क्या होता है भाई? इरेशनल। इरेशनल होता है, तो इरेशनल। इनके दो अति महत्वपूर्ण गुणों की चर्चा करनी है। अभी फिलहाल हमें क्या करना है कि इस अध्याय में धनात्मक पूर्णांक, कौन पूर्णांक बाबू? धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुणों के बारे में अध्ययन करना है। अध्ययन करना है यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ना है। किसका भाई? तो पॉजिटिव इंटीजर का। पॉजिटिव यानी इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न्ड अबाउट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है ना? यानी हम लिख सकते हैं कि इन दिस चैप्टर क्लियर है, वी हैव लर्न अबाउट टू मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और वे दो महत्वपूर्ण पॉजिटिव इंटीजर के दो महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होंगे भाई? तो पहला गुण दिखाई दे रहा है कलर, पहला पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। क्लियर है ना? इसको हिंदी में कलन विधि भी कहा जाता है, इंग्लिश में कुछ नहीं लेकिन हिंदी में कलन विधि कहा जाता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? यूक्लिड्स, EUCLI apostrophe S, Euclid's division algorithm। दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ना है भाई? ओए बालक, दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ना है हमें? दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ना है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। देखो क्या क्या लिख रहे हैं भाई, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यानी इंग्लिश में क्या लिखेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी दो महत्वपूर्ण ए गुण है, ये दोनों गुण, इनके बारे में हमें क्या करना है पूरे इस चैप्टर में 1.1 में और 1.2 में पढ़ना है। 1.1 और 1.2 में पढ़ना है। कौन है भाई बाहर? काला परेशान है आप लोग? आप लोग बाहर ही रहो यार, अंदर जगह नहीं है, बाहर रहो। हो गया? अब हमें क्या करना है, दो महत्वपूर्ण गुणों के बारे में पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर है? और दूसरा क्या पढ़ना है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। क्लियर है ना? चलोगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि एल्गोरिथम एक नया वर्ड है। एक ये तो नाम हो गया, ये क्या हो गया? विभाजन का मतलब डिवीजन, विभाजन का मतलब वन बाई वन करके काटना, समझ में आ रहा है ना? लेकिन एल्गोरिथम एक नया वर्ड है, एल्गोरिथम एक नया वर्ड है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले आप इसे नोट कर लें। चलो भाई नोट कर लो, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलो बाबू, हो गया। अब देखो यहाँ बच्चे पीछे से कमेंट किए थे कि ओ सर जी मेरे
थोड़ा सा आप वर्ड मीनिंग को क्या कर लो, सुधार लियो। हाँ चलो बच्चा बता दो क्या क्या है, ए एरर है ना, तो क्या लिखेंगे, ए आर आई टी एच एम ए टी आई सी। अब सही हो गया, कोई दिक्कत? चलो अब हमें सबसे पहले एल्गोरिथम जानना है, और फिर एल्गोरिथम से एक नया वर्ड निकल कर आएगा प्रमेयिका। क्या आएगा भाई? प्रमेयिका। प्रमेयिका को क्या कहेंगे भाई? लेमा। लेमा कहेंगे। क्या कहेंगे? लेमा। क्लियर है ना? पहले तो एल्गोरिथम आएगा, दूसरा क्या आएगा? लेमा आएगा। तो दोनों को देख लेते हैं, दोनों नए वर्ड हैं बिल्कुल। ये हैं क्या पहले ये जानते हैं, उसके बाद हम लोग अपना इनके बारे में जानेंगे, विभाजन एल्गोरिथम क्या है। चलो देना भैया एक एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम मैथ हमको। देखो यहाँ हिंदी में दी गई है बातें। सबसे पहले देखो एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है। यहाँ एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम क्या है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यानी ये क्या देती है भाई? मेथड देती है। ये क्या देती है? मेथड। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। एन एल्गोरिथम इज द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव अ प्रोड्यूस प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ सब प्रॉब्लम्स। यहाँ एनसीईआरटी में इंग्लिश मीडियम बुक में पेज नंबर 4 में ऑलरेडी लिखा हुआ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक किताब आपके पास होगा। वाह क्या बात है यार, क्या किताबों के आप लोग दशा करते हैं। ठीक, दूसरा यहाँ एक और बात दिया गया कि एल्गोरिथम शब्द, एल्गोरिथम शब्द, शब्द एल्गोरिथम, ध्यान से देखोगे शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजबरा भी इन्हीं की लिखी पुस्तक हिसाब अल जबर वा अल मुकाबला से लिया गया है। इतनी बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर कह रहा एक नया वर्ड, बातचीत बंद करेंगे आप, नया वर्ड आ रहा है भाई प्रमेयिका। देखा ना भाई, परिमेयिका। प्रमेयिका क्या है? तो लेमा क्या है? तो कहता है कि लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग एनदर स्टेटमेंट। यानी लेमा क्या है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। यानी लिख सकते हैं कि लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट फॉर यूज फॉर प्रूविंग एनदर स्टेटमेंट, यूज फॉर प्रूविंग एनदर स्टेटमेंट। यानी इसका प्रयोग करेंगे भैया यूज्ड फॉर प्रूविंग एनदर स्टेटमेंट, एनदर स्टेटमेंट, यानी अन्य कथनों को प्रूफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी प्रमेयिका क्या है? तो एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, और इसकी सहायता से हम दूसरे कथनों को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं, दूसरे कथनों को सिद्ध करते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम्स? चलो अब अगला हम लोगों का टॉपिक क्या मिलेगा भाई? अगला टॉपिक क्या मिलेगा? तो अगला टॉपिक मिलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। ये दोनों नाम इतने एक दूसरे में अंतर्निहित होते हैं कि हमें अंतर करने में बड़ी कठिनाई हो जाती है। बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कह दिया जाता है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन प्रमेयिका अलग होती है, एल्गोरिथम अलग होता है। क्लियर है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो संख्याओं का मसा निकालने की एक विधि है, दो संख्याओं का मसा निकालने की एक विधि है। और प्रमेयिका क्या है? तो कहता है कि दो संख्याएं P एवं Q इस प्रकार दिए रहने पर या A B दिए रहने पर हम दो अन्य संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि A बराबर
बी क्यू प्लस आर हो, बी क्यू प्लस आर हो, जहाँ भाज्य भाजक और भागफल वाला नियम आएगा, भाज्य भाजक और भागफल वाला नियम आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या आता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और इसकी जानकारी हम लोग अगले क्लास में लेंगे, इसकी जानकारी अगले क्लास में लेंगे, कोई दिक्कत? और इससे जितना प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उन सब का वर्णन करेंगे। क्लियर? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और यहीं PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहें। जय हिंद, जय भारत। Thank you.